मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ने लगी है। वहीं हाल में घोषित कांग्रेस बदनावर विधानसभा सीट के उम्मीदवार बदलने का मन बना रही है। कांग्रेस ने पहले अभिषेक सिंह को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन जल्द ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल सिंह पटेल के नाम का ऐलान तय माना जा रहा है। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की पसंद के नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये बदनावर विधानसभा का भी जो पुनर्विचार में जो आया है टिकट को लेकर मामला, तो ये बहुत जल्द इसका शॉर्टआउट हो जाएगा, बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन और इसका उपाय निकल जाएगा कि कांग्रेस बदनावर विधानसभा क्षेत्र से कौन रहेगा उम्मीदवार, कौन हाथ का पंजा लेकर आएगा और कौन लड़ेगा मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन वो बदनावर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की पसंदगी का और इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की पसंदगी का और सर्वानुमति वाला उम्मीदवार होगा जो अधिकतम वोट लेकर अच्छे वोटों से कांग्रेस को जीत दिलाने वाला होगा। बहुत जल्द का दिन है, मोर देन 100% आश्वस्त है। रणनीति बन चुकी, धीरे धीरे आपको दिनों दिन आपको बारी बारी सबकी जानकारी में आती जाएगी और उसी से संबंधित अभी हमारी कार्यालय में बैठक चल रही है। और मैं ये कह सकता हूँ लेकिन जिस तरह से माहौल और वातावरण और जनता जो पक्ष में है और जनता को ये लगा है कि कमलनाथ जी अच्छी सरकार चला रहे थे और ये भगोड़ों ने हमारे वोट को मार्केट में बेच के हमारी सरकार गिराई है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 15 महीने की कार्यकाल वाली कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व के प्रति मध्य प्रदेश और बदनावर विधानसभा की जनता का विश्वास बहुत तेज गति से बढ़ा है और हर मतदाता भी ये चाहता है कि कब जल्दी चुनाव आए और ये इनने जो गद्दारी की, इस गद्दारी का हम बदला लें और फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता की भागदौड़ कमलनाथ जी के हाथ सौंपकर कमलनाथ जी फिर हमारे जो काम छूट गए थे उन कामों को आगे बढ़ाए, चाहे कर्ज माफी की बात हो, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, बिजली के लगने वाली खेती के बिजली की बिल हाफ कर दी उसकी बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात हो, गुंडों को ठिकाने लगाने वाली बात हो, शुद्ध कृमि युद्ध चलाने वाली बात हो, प्रदेश में बड़े बड़े जो निवेशक आ रहे थे, मतलब तेज गति से सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा था, तो वापस जनता ये चाहती कि कमलनाथ जी को जल्दी से मुख्यमंत्री बनाए। बदनावर से आदित्य राज धाकड़ की